हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित जोशी, वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट, हार्मोन एक्सपर्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन जयपुर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नाइटफॉल पे। नाइटफॉल क्या है, क्यों होता है, व्हाट इज द बैड इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, हाउ कैन वी इम्प्रूव इट, हाउ कैन वी रिड्यूस इट और क्योर इट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है नाइट एमिशन। रोज मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं और इसलिए आते हैं कि सर उनको रेगुलर नाइटफॉल हो रहा है और वो उसको सही करना चाहते हैं। मैंने नाइटफॉल पे पहले भी अपने वीडियोस पोस्ट करे हैं, मैं दोबारा से एक वीडियो डालता हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, नाइटफॉल या नाइट एमिशन या नाइट इजैकुलेशन रात को होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आप सो रहे होते हैं तो करीब 4 से 5 बजे जब आप नींद में होते हैं तो आपकी चड्डी गीली हो जाती है ऑटोमेटिकली और आपको पता भी नहीं चलता, आपकी नींद इससे डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी ये रात को 2 से 3 बार भी हो जाता है, कुछ लोगों में दिन में भी होता है और फिर रात को भी होता है, कुछ में इतना ज्यादा होता है कि सुबह हुआ, फिर दोपहर हुआ और फिर रात को हुआ, लगातार हो रहा है। अक्सर ऐसे मरीज मेरे पास आते हैं तो फिजिकली और मेंटली बहुत कमजोर महसूस करते हैं। जब हम इनका ये प्रॉब्लम कम करते हैं या नाइटफॉल को बंद करते हैं तो विद इन 15 डेज इनका चेहरा खिल जाता है, इनका वेट बढ़ जाता है, एजुकेशन में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज नाइट एमिशन? जब हम रात को सोते हैं तो हमारे सोते समय दिमाग में कोई सेक्सुअल थॉट आता है, कोई पोर्नोग्राफिक हीरोइन आती है, कोई गर्लफ्रेंड आती है, कोई पड़ोसन जो आपको सुंदर लगती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, रात सुबह जो बस में कोई लड़की आपको दिखी वो आती है। और यदि आप होमोसेक्सुअल हैं तो आपको कोई बॉडी बिल्डर लड़का जो आपके जिम में वर्कआउट कर रहा है वो आता है, या तो आप उसके साथ सपने में सेक्सुअल एक्ट में होते हैं या आप उसके साथ फोरप्ले कर रहे होते हैं। तो जब नींद के साइकिल का एक फेज जिसमें हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स होती है तो उस समय ऑटोमेटिक इजैकुलेशन हो जाता है। इजैकुलेशन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है और जो सीमन हमारे टेस्टिकल्स और सेमिनल वेसिकल में स्टोर होता है वो निकल जाता है। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि नॉर्मली एक आदमी के 4 से 5 ml स्पर्म सीमन पर डे बनता है, एक चम्मच के बराबर, और ये कंटिन्यू बनता है, पूरे साल बनता है, 365 दिन बन रहा है। अब यदि ये बन रहा है तो कहीं तो स्टोर होता है, तो ये हमारे टेस्टिकल्स में और सेमिनल वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाता है। यदि हम सेक्सुअल एक्टिव हैं, यदि हम मेस्ट्रुबेशन रेगुलर कर रहे हैं तो नाइटफॉल हमें कम होता है और ये चीजें बैलेंस रहती है। बट यदि हम सेक्सुअल एक्टिव नहीं है, मेस्ट्रुबेशन भी नहीं करते हैं तो हमारे नाइटफॉल होने लगता है और ये बॉडी अपने आप बॉडी इसको निकालने का एक रास्ता खोजती है। इट इज ए क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी। नहीं तो आपके सोचो कि यदि रोज 5 ml जो चीज बन रही है वो इकट्ठी हो जाएगी तो कितना सारा मटेरियल हो जाएगा, बॉडी इसको अपने आप निकालती रहती है। अब दोस्तों, लोग आके बोलते हैं कि सर इसके होने के बाद सुबह मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है। सही बोलते हैं, क्योंकि नाइटफॉल से कमजोरी आ रही है, पर एवरी सेक्सुअल एक्ट जब आप कर रहे हो, चाहे वो आप सेक्स करो, चाहे वो आप मैस्ट्रुबेट करो, इसमें आपको कमजोरी महसूस होगी, बिकॉज ऑल सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर कैलोरीज बर्न होती है और ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसमें घबराना नहीं है, हल्की फुल्की कमजोरी एक ओके है, लाजमी है, होनी चाहिए। सो यदि 1 से 1 वीक नाइटफॉल हो रहा है, इवन 2 से 1 वीक हो रहा है, तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आप इसको एंजॉय करो क्योंकि बॉडी अपने आप को क्लीन कर रही है। बट यदि ये रोज होता है, दिन में कई बार होता है, इवन सेक्स और मैस्ट्रुबेशन करने के बाद भी होता है, मतलब सुबह वो लड़का गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा है और शाम को फिर नाइटफॉल हो रहा है, तो ये एक इश्यू हो सकता है। देन वी नीड टू फाइंड आउट व्हाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग। ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बेलेंस तो नहीं है। तो दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी दवाइयां ऐसी है जो इसको बिल्कुल सही कर देती है।
बच्चे मेरे पास जो आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनको रोज फिटनेस पे काम करना होता है, अब जब इनके नाइटफॉल हो जाता है तो इनका ट्रेनिंग इफेक्ट करता है, इनका स्टेमिना, इनको ऐसा लगता है वीक होता है। जब ये हमारे पास आते हैं तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। इट्स ए वेरी इजी टू ट्रीट प्रॉब्लम। बस सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी कि जब भी आप कोई दवाई लें तो आप किसी क्वालिफाइड सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट या सेक्सोलॉजिस्ट से लें, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रीटमेंट लें। ऐसी दवाई लें जिस पे लिखा है कि आप क्या खा रहे हो, ये नहीं कि कोई पुड़िया हर्बल या आयुर्वेदिक दवाई के नाम पे आपने कोई स्टीरोइड बेस्ड ट्रीटमेंट ले लिया जो आपको बाद में आपको सेक्सुअली इफेक्ट करे। सो प्लीज बी केयरफुल। इफ यू हैव एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग नाइट फॉल और नाइट अमिशन, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। हमारे पास जब भी समय होगा हम आपके यूट्यूब पे जो हमारे कमेंट्स होते हैं उनके अंदर आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।